ASN24 पल पल की खबर। रजगामार गायत्री मंदिर के पास अपने दोपहिया वाहन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से उपचार हेतु जिला अस्पताल कोरबा में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम प्रकाश रात्रे है, जो ओमपुर में निवास करता है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इस बात का पता नहीं चल सका है। तुलसी फैंसी रजगामार आने का विचार ऐसे हुआ कि मतलब सीपुर से इवेंट मिला था रायपुर से, जिसमें एक व्यक्ति अपने स्वयं के गाड़ी से गिर के घायल हो चुके हैं करके तो आए हैं। तो हमारे साथ ही साथ 108 की भी गाड़ी पहुंची, जिसमें घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। अभी हम लोग परेश भाई मैं यहाँ पर खड़े हुए थे, तो अचानक देखे कि एक व्यक्ति उधर से बाइक से आया और गड्ढे में फंस के गिर गया। फिर हम लोग परेश भाई मैं पानी लेकर दौड़ के गए, फिर सीना उन्हें उसको मालिश वालिश किए तो फिर खून को उल्टी किया, फिर थोड़ा ठीक लगा, फिर हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस वाला आके ले गए। अभी उसका हालत कैसा? अभी ठीक है, अभी ठीक लग रहा था। गिरने का वास्तविक वजह क्या हो सकता है? वजह तो रोड है सर, रजगामा का रोड है। इस रोड में मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर लोग गिरते रहते हैं, काफ़ी गड्ढा है जगह जगह, और मवेशी भी जगह जगह बैठे रहते हैं, इसके वजह से भी एक्सीडेंट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि CCL और यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान दें इस रोड को। किसी भी अधिकारी को रोड के बारे से अभी तक आपने अवगत कराए? नहीं सर, ऐसा तो हम लोग जनप्रतिनिधि को बताए थे। उनके द्वारा क्या बोला गया? तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सही हो जाएगा करके। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये हादसा जो हुआ है वो रोड की वजह से ही है? बिल्कुल बिल्कुल, रोड की वजह से है, और गड्ढा भी है यहाँ पर, जहाँ पर गिरा हुआ है वो गड्ढे की वजह से ही हुआ है। जो दुर्घटना हुआ था व्यक्ति, उसको आपने फ़ोन किए थे, उसके द्वारा आए, फिर वो कहाँ लेकर गए? हम लोग फ़ोन किए 112 को, फिर वो हाँ 100 ले गए उनको। KSN 24 न्यूज़ के लिए रजगामार से अंकित जांगड़े के साथ हर्ष मिश्रा की रिपोर्ट।